थॉमस वेविंगटन मार्क ने, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए हुए थे, उन्होंने अपनी स्पीच में उस वक्त को साफ कहा कि मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, पूरे भारतवर्ष का मैंने भ्रमण करा, लेकिन भारतवर्ष का विभाजन करना असंभव है क्योंकि अगर कल्चर बहुत स्ट्रांग है, जब तक इनके कल्चर पर अटैक नहीं किया जाएगा तब तक भारतवर्ष का विभाजन नहीं किया जा सकता। जज ने पूछा कि इनकी कल्चर पे कैसे अटैक किया है, तो उन्होंने साफ कहा कि भारत देश में आने इनके गुरुकुल्स के अंदर शास्त्रों पे बहुत यकीन करते हैं, भगवदगीता रामायण महाभारत ये इनके बेस है, कैसे भी करके इनको पिछड़ा हुआ बता दो और भगवदगीता रामायण महाभारत को इमेजिनेशन कल्पना मैथोलॉजी बता दो, जिससे वजह से इनका बेस वीक होगा और हम इन पर रूल करे आएंगे। और यही हुआ, हमारे गुरुकुल्स को बंद करा दिया गया, हमारे गुरुओं को जेल में डाल दिया गया, फिर उनको मरवा दिया गया। हमारा वीक वेस होने की वजह से हम स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाए, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए चले गए और फिर हमारे स्क्रिप्चर्स विलुप्त होते चले गए। फिर आया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमारी फ्रीडम फाइटर्स को आतंकवादी बता दिया गया। आज वो वक्त है जहाँ पे हर सनातनी के घर में आपको भगवद्गीता नहीं मिलेगी, लेकिन मिल भी गई तो पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। इट्स एन हिडन रियलिटी।